ठीक है, समझ रहे हैं हम लोग कैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंट होती है। ठीक है, अब ये बता दिया होता क्या। अब यहाँ पे आप एक ऑब्जेक्ट का सोचो, कोई एक ऑब्जेक्ट सोचो, थिंक अबाउट अ सिंगल ऑब्जेक्ट, कोई भी एक ऑब्जेक्ट सोचते हैं, लेट मी से स्टूडेंट इज अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, नाउ थिंक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई भी सिंपल चीज है, जैसे स्टूडेंट है तो रोल नंबर होगा, नेम होगा, ठीक है, एज होगा, जेंडर होगा, स्टैंडर्ड होगा, ठीक है ना, और भी बहुत कुछ हो सकता है, बहुत 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 कुछ, कोई लिमिट नहीं है, फादर नेम, मदर नेम, फादर ईमेल आईडी, फादर बर्थ डेट होता है, राइट, बहुत सारी चीजें होती है, राइट, इवन डॉक्टर का नाम पूछा जा सकता है, फॉर्म आता है इतना बड़ा पूछा जाता है ना, ब्लड ग्रुप क्या है, कहाँ से आते हो, राइट, सिबलिंग है कि नहीं है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज। तो सारी प्रॉपर्टीज किसके रिलेटेड है, ऑब्जेक्ट। These all can be a properties. Yes, these all and many others can be the properties of particular object. लेकिन हम उसमें से कुछ selected ही से है, role number, name, age, gender, standard, इतना ही ले रहे हैं, बाकी हम skip कर रहे हैं, ठीक है, बाकी ज़्यादा नहीं समझ रहे हैं। तो अब पहले ये समझना है कि अगर हमारा ये properties हैं तो इनकी values क्या होगी, अगर object बनेगा तो उसकी value क्या होगी, भाई role number one होगा, name होगा कुछ नरेंद्र, age होगा कुछ, gender होगा, standard होगा, ऐसे ही रोल नंबर टू होगा, रोल नंबर थ्री होगा, रोल नंबर फोर होगा। तो टेक्निकली देखा जाए तो आई एम टॉकिंग समथिंग अबाउट अ टेबल, राइट, अगर मैं इसका एक्सेल में टेबल बनाऊं, लेट मी से कि अगर एक्सेल फाइल खोलता हूं और मैंने बोला कि भाई स्टूडेंट है, राइट, ये रोल नंबर है, ठीक है, जो जो मैंने यहाँ लिखा, नेम है, एज है, जेंडर है, स्टैंडर्ड है, तो बताओ दोनों में फ़र्क क्या हुआ, जो मैं अगर वहाँ सी प्लस प्लस में कर रहा हूँ और मैं यहाँ चीज़ एक्सेल में कर रहा हूँ, तो ये क्या चीज़ हुई मेरे लिए, ये टेबल है। हम इस टेबल के, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हेडिंग को क्या बोलेंगे, ये हेडिंग है तो इसको क्या बोलेंगे, बताओ जरा टेक्निकल टर्मिनोलॉजी क्या है इस हेडिंग की, टेबल हेडिंग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज तो हम यहाँ बोलते हैं ना, सी प्लस प्लस में प्रॉपर्टी बोलते हैं ना, मैंने क्या बोला था, बहुत सारे सिनोनिम बोले थे ना, बहुत सारे सेम टर्म्स होती है, राइट, हम ये इसका मतलब यही होता है, इसका मतलब यही होता है, बोलना सिनोनिम बोलते हैं लॉजिक। तो अब ये बताओ कि हम ये एक्सेल में या रियल लाइफ टेबल में बनाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपली जनरली क्या बोलते हैं, कोई बोलता है हेडिंग क्या है टेबल का, या फिर टेक्निकल नाम क्या है, फील्ड्स, फील्ड्स बोलते हैं ना, दूसरा क्या बोलते हैं, कॉलम्स, कॉलम हेडिंग, ये बोलते हैं ना। अब कॉलम हेडिंग बोलो, फील्ड बोलो, या ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी बोलो, बात एक ही है। और मैंने क्या बोला था कि सारे ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा, उन सबकी प्रॉपर्टी सेम होती है, ये बताया था ना। अब ये एक तरह से स्टूडेंट क्या हुआ, टेबल का नाम, अगर मैं इसको बोलूं टेबल का नाम, तो यहाँ पे टेक्निकली क्या हुआ, क्लास, टेबल का मतलब क्या हुआ, क्लास ऑब्जेक्ट, या फिर क्लास बोल सकता हूँ अपने आप में, क्लास ऑब्जेक्ट भी बोल सकता हूँ या क्लास भी बोल सकता हूँ। अगर आप देखोगे, अगर आप डेटाबेस आगे जब पकड़ोगे तो डेटाबेस में क्या आएगा कि टेबल इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ, राइट, टेबल इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ डेटाबेस, वो ऑब्जेक्ट है, राइट। अब यहाँ पे टेक्निकली मैंने क्या बोला, क्लास है, क्लास मतलब डिजाइन, तो अब यहाँ क्या आएगा, रोल नंबर वन, लेट मी से नेम इज नरेन, समथिंग एज इज 16, जेंडर है मेल, वो है 11th स्टैंडर्ड में कोई, नंबर टू नरेन, उसकी एज है 15, ये मेल है, ये स्टैंडर्ड 10। नाउ व्हाट आर दीज टू थिंग्स, ये दो चीजें क्या है, वैल्यूज हैं, डिटेल्स हैं, बोलते जाओ वैल्यूज हैं, डिटेल्स हैं, और क्या बोलोगे, डेटा, और क्या टर्म्स आ रहे हैं दिमाग में, बोलते जाओ, इंफॉर्मेशन, और क्या बोलेंगे, चलो रिकॉर्ड है ना। तो टेक्निकली समझना पड़ेगा ये सब मतलब क्या है, ये वैल्यूज का मतलब, वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप ऑफ वैल्यूज, इफ आई से अ वैल्यू और आई से वैल्यूज, व्हाट्स द डिफरेंस इन इट, वैल्यू और वैल्यूज में फर्क क्या है, ये सिंगल और ये मल्टीपल, तो सिंगल को हम बोलते हैं डेटा, मल्टीपल को, प्रोसेस को हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। ये एक एक वैल्यू है, वन नरेन 16, मेल 11, ये हर एक अपने आप में एक वैल्यू है जिसको हम बोलते हैं डेटा, राइट। और पूरे को क्या बोलेंगे, आप पूरे को बोलो डिटेल्स, इंफॉर्मेशन या रिकॉर्ड, पूरे को ये बोलेंगे ना, डिटेल्स बोलेंगे, रिकॉर्ड बोलेंगे, इन्फॉर्म। अब टेक्निकल टेबल टर्मिनोलॉजी में हम रिकॉर्ड ही बोलते हैं, हम रिकॉर्ड बोलते हैं,
अच्छा इसको क्या बोलेंगे, ये रिकॉर्ड नंबर वन का है, ये रिकॉर्ड नंबर टू का है, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये पूरा का पूरा एक रिकॉर्ड है, राइट। रिकॉर्ड का मतलब यहाँ पे अगर मैं टेक्निकल बताऊंगा रिकॉर्ड का मतलब, एक मिनट देखो, ये पूरा रिकॉर्ड है। तो मैं इस पूरे रिकॉर्ड को क्या बोलूंगा, स्टूडेंट वन का रिकॉर्ड है, ये स्टूडेंट टू का रिकॉर्ड है। तो यहाँ पे मैं इसको एक नाम दे सकता हूँ, आई कैन गिव अ नेम लाइक दिस इज स्टूडेंट वन, दिस इज स्टूडेंट टू। तो ये मेरे लिए क्या होगा, दिस बिकम्स एन ऑब्जेक्ट। एस वन का रोल नंबर क्या है, एस वन का एज क्या है, ठीक है। ऐसे थर्ड, ऐसा थर्ड ऑब्जेक्ट लाया मैं, ठीक है, थर्ड ऑब्जेक्ट लाया, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया विकास, यहाँ पे कुछ हमने लिख दिया 16, यहाँ पे मेल और 11 कर दिया, ठीक है। ये देखो, ये एस थ्री का। अब ये बताओ कि यहाँ पे जो मैंने बोला, क्या बताया गया कि एक एक हर एक ऑब्जेक्ट का, हर एक ऑब्जेक्ट का सारी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है, सिमिलर है कि नहीं। अब मुझे बताओ, एस थ्री के पास रोल नंबर है, एस वन के पास एज है, सबके पास है ना, तो सारे ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी सेम है, क्योंकि सारे के सारे एक ही क्लास के ऑब्जेक्ट है ना। जो कल थियरी बताया था, आज मैं आपको यहाँ विजुअलाइज करके दिखा रहा हूँ और फिर प्रैक्टिकल भी करके दिखाने वाला हूँ, राइट। तो मैंने क्या बोला था, क्लास इज अ फैक्ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट विच शेयर ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम क्लास विल शेयर द सिमिलर प्रॉपर्टी बट वैल्यू विल बी डिफरेंस। वैल्यू डिफरेंस है ना, बताया था ना, वैल्यू विल बी डिफरेंस, दे विल बी आइडेंटिफाइड बाय देयर वैल्यू नॉट बाय द प्रॉपर्टीज बिकॉज ऑल द ऑब्जेक्ट्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, राइट। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट को एक आसान तरीका इस तरह से सीखने का है कि टेबल को हम समझें, टेबल तरीके से समझें तो ज्यादा आसान से समझ में आता है, ठीक है, ऐसा। सो अब इसको देखते हैं कैसे करेंगे इसमें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसका क्लास बना के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मैं इसको थोड़ा पॉज करता हूँ ताकि रिकॉर्डिंग लंबा ना हो, फटाक से कर देता हूँ। तो क्या किया मैंने, पहले स्ट्रक्चर बना के स्टूडेंट की जो सारी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई वो यहाँ डिग्री, रोल नंबर, नेम, ये सारे बना लिए। अब देखो जो एक्सेल में मैंने किया कि स्टूडेंट का एस वन बनाया इज इक्वल टू, ये वैल्यू डाली ना, वन नरेन 16 मेल 11, ठीक है। तो कैसे करूँगा, इज इक्वल टू वन कॉमा नरेन कॉमा 16 कॉमा सिंगल कोट मेल कॉमा और क्या लिखा था 11, ये देखो, नहीं सी डायरेक्ट सी पी भी सेव करूंगा ना मैं, देखो स्टूडेंट स्ट्रक्ट, राइट, मैं इसको सेव करता हूँ स्टूडेंट स्ट्रक्ट, ठीक है। अब इसको हम कंपाइल करके देखते हैं, इफ आई हैव एनी एरर सो आई विल गेट एन एरर, देयर इज नो एरर, देयर इज नो एरर, देखो कुछ एरर नहीं है, मैंने प्रिंट नहीं कराया कुछ भी, ठीक है ना, प्रिंट नहीं कराया कुछ भी, ओके, तो कोई एरर नहीं है ना। एक तरीका ये हो गया असाइन करने का, दिस इज डायरेक्टली असाइनिंग वैल्यूज टू एन ऑब्जेक्ट while declaring it, है ना। जिस तरह से हम क्या करते हैं, integer x equal to 10 assign कर लेते ना, ऐसे ही किया। अब लेकिन हम assign कैसे करते हैं, खाली declare कैसे करते हैं integer x, तो अब मैं क्या करूँगा, एक और लिखूँगा student s2। तो मैंने क्या किया, declaring an structure variable या structure object कुछ भी बोल सकते, ठीक है, structure से बनाया अभी हमने, structure variable या structure object बोल सकते हैं, okay, तो structure variable। तो s2, अब S2 के लिए क्या वैल्यू डाली है, 2 वेरेन 15 मेल, ऐसा ना। तो अभी S2 का डॉट लगाएंगे ना, तो देखो ये बताएगा, S2 अपने आप में एक वेरिएबल नहीं है, इट्स अ ग्रुप ऑफ अनदर वेरिएबल्स इन इट, है ना। तो मैंने स्ट्रक्चर पढ़ाया था, उसमें बताया था डॉट ऑपरेटर, तो S2 से मैं उसके अंदर के दूसरे ऑपरेटर यानी दूसरी प्रॉपर्टी को यूज कर रहा हूँ कि S2 का रोल रोल नंबर क्या है भाई, S2 का रोल नंबर 2 है, इज इक्वल टू 2, ठीक है, S2 का, राइट, और क्या है नेम। तो अगर नाम इशू करना है तो नाम इक्वल टू करके तो नहीं कर सकते हम, पता है ना, नाम नहीं कर सकते, स्ट्रिंग डॉट एस लेते हैं। अगर मैंने लिखा एस टू डॉट नेम इज इक्वल टू विरेन, तो ये गलत आएगा, ये एरर देगा। इसको ऐसे, इसको कैसे लिखते हैं, याद है किसी को, एस टी आर सी पी वाई एस टू डॉट नेम कॉमा विरेन, स्ट्रिंग भूल गए आप लोग लगता है ना, प्रैक्टिस इतने दिन तो मस्त घर पे छुट्टियां थी तब भी पढ़ाई नहीं की,
तब भी प्रैक्टिस नहीं की, पहुंचे नहीं, मतलब एक एक महीना घर पे क्या किया फिर? हाँ, तो इस तरह से हम स्ट्रिंग असाइन नहीं कर सकते, एरर देगा। स्ट्रिंग को इस तरह से किया जाता है, पता है यार था? नहीं, वेरी गुड, तेरे को भी नहीं आता, वेरी वेरी गुड, सब बोल गया। चलो अच्छा, अब यहाँ पे एस टू भाई अभी वहां नहीं पहुंचे, नहीं सिखाया तो क्यों करो? वो नहीं कराया डिटेल, मेरे लिए नहीं कराया समझो, मैंने अभी तक नहीं कराया समझो, मेरे दिमाग में ऐसा है। अभी एज कितनी लिखी है हमने? 15। अब एस टू डॉट जेंडर, क्योंकि सिंगल कैरेक्टर है, इसको आप असाइन कर सकते हो। और क्या था? स्टैंडर्ड इज इक्वल टू 10। दूसरा तरीका क्या हुआ? ये डिक्लेयर एंड असाइन, ठीक है ना? दिस इज डिक्लेयरिंग एंड असाइनिंग, दिस इज अ रॉन्ग वे। ओके, अब तीसरा तरीका होता है इनपुट लेने का। तो मैं स्टूडेंट तीसरा ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, S3। अच्छा, ऐसे नहीं है कि मैं तीनों एक साथ नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूँ, कॉमा S2 कॉमा S3 यहाँ भी कर सकता हूँ, ठीक है? ये भी चलेगा, इस तरह से भी चलेगा, कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है? तो अब इनपुट कैसे लेऊंगा? टेकिंग इनपुट फॉर स्ट्रक्चर वेरिएबल या स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट, सी आउट एंटर रोल नंबर, रोल नंबर किसका है? सी इन करेंगे, S3 डॉट रोल नंबर, बरोबर ना? याद आ गया सब, कितना सिंपल है। सी आउट एंटर नेम, क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे बताओ? S3 डॉट नेम और कॉमा 20, है ना? गेट लाइन में सही था ना, कॉमा 20 होता था, नहीं होता था? गेट लाइन नहीं, अपने गेट लाइन सिखाया था, बताया है, मैंने सिखाया भी होगा अच्छी तरह से, मुझे याद है। हाँ, वो तो इसमें अभी हो जाएगा, वो हो जाएगा, राइट? गेट, चलो एक मिनट रुको, सीन बता देता हूँ क्या डिफरेंस है। S3 डॉट नेम दिखा दूंगा, एक्सपीरियंस करा देता हूँ ना, रख दूंगा, ठीक है ना? एक्सपीरियंस करा दूंगा ना क्या डिफरेंस है, ठीक है? S3 डॉट नेम ऐसा भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें क्या दिक्कत है कि आपको पता है स्पेस देते ही वो ट्रंकेट हो जाएगा, स्पेस चला जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे क्या डालेंगे? एंटर एज, ठीक है? एज है ना तीसरा कॉलम, हाँ, सीन S3 डॉट एज। अच्छा, अगर आप यहाँ गलती से S2 डॉट एज कर दोगे तो उसमें चला जाएगा, S2 का एज में चल जाएगा, याद रखना। सी आउट, अब क्या आएगा? एंटर जेंडर, सीन S3 डॉट जेंडर, एंटर स्टैंडर्ड, S3 डॉट स्टैंडर्ड, हो गया। अब ये इनपुट के लिए सिखाया खाली, हाँ, अभी मैंने इसको आउटपुट नहीं करा रहा हूँ। कंपाइल, कोई एरर नहीं आ रहा है, रन करते हैं। रोल नंबर 1 नेम, अच्छा रोल नंबर 1 तो ऑलरेडी था, 3, चलो प्रकाश, देखो अब प्रकाश घूरना नहीं लिख दिया, देखो क्या हो गया, स्पेस देते ही गड़बड़ हो गया ना, ठीक है? रन करते हैं दोबारा, राइट, रोल नंबर 3 प्रकाश, देखो ए 16, जेंडर मेल और स्टैंडर्ड 10, ओके कोई दिक्कत नहीं है, स्पेस लेना ना मुझे इनपुट, तो क्या करेंगे? गेट एस तो सीखा था आपने, राइट, सी में सी डॉट गेट लाइन, ठीक है? सी डॉट गेट लाइन में आप इस तरह से कर सकते हो, फ्री। अब देखो क्या हुआ, बताओ जरा, यहाँ पे इशू कैसा आया था, याद करो, याद है ना? 3 के बाद एंटर इसमें स्टोर चला गया, राइट? तो याद है सी में क्या करते थे हम? सी में फ्लश करते थे ना, राइट? अब सी प्लस प्लस में भी यही चीज होती है, देखो अभी अब फ्लश भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सी प्लस प्लस कर रहे हैं तो दूसरा करेंगे ना अभी हम, देखो तो यहाँ पे मैं फ्लश यूज कर सकता था, या फिर सी इन डॉट गेट लिख सकते हो, या सी इन डॉट इग्नोर कर सकते हो, कुछ भी यूज करो, जो गेट होगा वो एंटर को ले लेगा, हाँ गेट एंटर को ले लेगा, इग्नोर जनरली इग्नोर भी ले लेगा, देखो कंपाइल किया, रन करते हैं, देखो अभी, ठीक है? थ्री, अब आया प्रकाश यादव, देखो 16, राइट मेल, समझ में आया? सी डॉट गेट लाइन क्लियर हो गया, राइट? आपने पूछा तो ये बफर हो रहा था, बफर को हमने क्लियर कर दिया, ठीक है ना? अब मेन इनपुट भी देना सीख गए, ओके, डिक्लेयर भी करना सीख गए, राइट, असाइन भी करना सीख गए, और डिक्लेयर एंड असाइन भी हो गए, लेकिन फिर भी ये क्या है, ये सारी प्रॉपर्टी जो है ऑब्जेक्ट से एक्सेस हो रही है,
ठीक है, ये ऑब्जेक्ट से मुझे एक्सेस करनी नहीं है क्योंकि हमारा पहला काम क्या है, डेटा हाइडिंग, राइट। तो डेटा हाइडिंग के लिए टॉपिक पूरा चेंज हो जाएगा। चलो इतना अभी इस वीडियो में सेव करता हूँ, अगले वीडियो का बताता हूँ, पहले इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ, फिर आगे करते हैं।